आज कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 25/3/2017 में आ रखा है। मैं भी क्वेश्चन पढ़ के पूरा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और आरबीआई असिस्टेंट 2017 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो इन्वेस्टर है ए और बी, ठीक है। उसका प्रिंसिपल एक्स है ए का, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट 10% के हिसाब से 2 ईयर्स का सीआई उसने दिया हुआ है, ठीक है। सेम दूसरा इन्वेस्टर बी, बी क्या कह रहा है, जितना ए से प्राप्त होता है अपन को, ठीक है, उसका 12% रेट का 5 साल का एसआई निकालना है, ठीक है। देन वो क्या कह रहा है, इन दोनों जो बी है ना वो ए से 3096 अधिक है, 3096, तो अपन एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा तो और समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखो, मैंने प्रिंसिपल को क्या है, मैंने 100 माना, लेट 100 मान लिया। अब 10% रेट है, 2 साल का निकालना है, तो मैंने बता रखा था 10+10, जब 0 0 तो ये यूज़ कर सकते हैं, ये याद करने वाले हैं वैसे तो 21 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर सीआई आ गया 21। अब वो कह रहा है यहाँ पे जो ए से टोटल प्राप्त हुआ वो अपने को टोटल कितना हो गया, 121 प्राप्त हो गया, ठीक है। उसको 12%, ठीक है, 5 साल के लिए ये अभी निकालना था। अब जब इसको 12% है तो ये 0 हो गया, ठीक है। देन इसका आंसर आएगा 72.6 ये आएगा, ठीक है। ये अपने पास में आ गया। अब अपन को क्या करना है, ये अपन को बी का भी निकल गया और ए का भी निकल गया। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 3096 का, 3096 का। और वैसे डिफरेंस देखा जाए तो ये बी का 72.6 है और उसका था 21, ये लेस कर देंगे, ठीक है, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब करना कैसे, देखो 3096 में ये 72.21 घटाना है 72.6, तो 516 आ गया, ठीक है, 51.6 आ गया, तो 100 × 10 10, ये पॉइंट हट गया यहाँ से। अब ये देखो 51, 5, 3, 6 पे जाएगा 6, तो 60,000 आंसर आ गया। अब आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ये आरबीआई का क्वेश्चन है, बस ये सबसे हाई लेवल का ऐसे मान लो प्री के अंदर, इससे हाई लेवल नहीं आता क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, सीआई दे रखा है 2522, ठीक है, और टाइम है 3 ईयर्स का और रेट है 5%। तो उसने प्रिंसिपल पूछा, ठीक है। प्रिंसिपल निकालने के लिए अब अपन क्या करेंगे, इसके ऑप्शन है, मैं ऑप्शन से समझाता हूँ आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऑप्शन होते हैं, ए बी 15,000 मान लो, सी को मान लो 10,000 और डी को मान लो 16,000, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके, और इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करोगे तो इजीली होगा, नहीं तो वो वाला फॉर्मूला लगाना है, P1+R/100^T-1, इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन को वो दे रखा है 2522, तो इसके थ्रू भी निकाल सकते हो, जिसको भी दिक्कत आए तो वो इससे सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन को, ठीक है, इस फॉर्मूले से। बट इस फॉर्मूले से करना नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा, टाइम टेकिंग वाला सिस्टम हो जाएगा, तो इसलिए अपन को इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ। अब 3 ईयर्स आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका रेशियो 3:3:1, ठीक है, और ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिसका 2500 के आसपास आ जाए। जैसे मैं, देखो मेरी बात सुनो, मैंने 15,000 लिया, 15,000 का मैंने 5% निकाला, कितना गया 750, ठीक है। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2250 अप्रोक्स, मतलब आ गया अपना आंसर कि ये 2522 के पास का आंसर है 2250। बट इसके बाद में एक बड़ी वैल्यू हो रहा है, तो मैंने देखा कि 16,000 ले लेता हूँ। अब मैंने 16,000 का 5% निकाला, ठीक है, 16×5=80, 800 हो गया। इस 3 को एक बार मल्टीप्लाई करते ही ये कितना आ गया 2400। अब आँख बंद करके इस पर टिक कर दिया करो, क्योंकि अप्रोक्स 2400 आंसर आ गया, तो ये 2522 आंसर आ भी जाएगा। कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ। 3 साल के लिए निकालते हैं, 3:3:1 से निकालते हैं, ठीक है। अब अपन को क्या है, अपन को पता है 16,000 का 5% रेट है,
अपन को 2522 आंसर लाना है, मैं ऑप्शन से ले रहा हूँ ना इसलिए। देखो 800 आ गया, अब 800 का 5% भी निकालते थे 40 आ गया, ठीक है, 40 का 5% फिर निकाल दिया, दो आ गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, ये आ गया 2400, ये आ गया 120 और ये 2 2 2 5 2522। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे उठाते हैं, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट जब भी करना हो ना तो ऑप्शन उठाया करो ऐसे, और पहला ही बार पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देख लिया करो उसका उसी परसेंटेज से, तो आपको सीधा ही आंसर पता लग जाएगा। 15,000 16,000 ऑप्शन क्या है, 10,000 पे भी जैसे 10,000 ले लेता कोई तो उससे भी आइडिया हो जाता कि देखो भाई, क्योंकि यहाँ पे तो कितना है 500 × 3 1500, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अपन को तो लाना 2522, ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रिंसिपल दे रखा है अपन को 12,000, ठीक है, रेट दे रखा है 20% और टाइम दे रखा है 1.5 ईयर्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या होता है, अपन को टाइम एग्जैक्ट चाहिए तो ईजिली निकल जाता है, तो क्या करते हैं रेट को तो हाफ कर देते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं, समझ में आई, इस चीज़ को हटाने के लिए। अब रेट हाफ करी तो रेट यहाँ कितना हो गया 10%, टाइम कितना हो गया 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का तो आपको पता है 3:3:1 से आ जाएगा। अब निकाल दो 12,000 का 10%, ठीक है, कितना है 1200, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये जी हाँ छोड़ दो। अब 1200 का फिर से 10% निकालना है, 120 आ गया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेम ऐसे ही 120 का 10% निकालना है, वो आएगा 12, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 360 ये हो गया, 3600 ये हो गया और ये 12 ये हो गया, 2 7 9 3 39 72 आ गया। अब जैसे 39 72 आ गया तो ये आया CI और ये प्रिंसिपल है। यदि अपन को अमाउंट निकालना हो तो क्या करेंगे, 12,000 में ये 39 72 ऐड कर देंगे, 279 5972। आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ऐसे वाले में रेट हाफ़ कर देना, टाइम को डबल कर देना, ये हाफ हो गया, ये टाइम डबल हो गया। देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, P = CI/R × 100। ये फॉर्मूला बताया था ना, अब इसका अब यूज़ होगा। आर क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे 10 का 2 साल का आर निकालना है तो 21 ऐसे आता है, 10 + 10 + 10 × 10 / 100, 21 आ गया। ऐसे ही 12 का निकालना है तो 12 + 12 + 12 × 12 / 100, 12 × 12 = 24 और ये हो गया 125.44। तो CI में जब भी यहाँ पे R लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होता है 2 साल का R है ये, ठीक है, 2 ईयर्स का, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने बोला है कि रेट है अपने पास 20%, ठीक है, और 2 साल का CI निकला है अपने पास में 880 रुपये, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल आ रहा है उस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए टाइम को तो कर देना है, टाइम को कर देना डबल, ठीक है, और रेट को करना है हाफ, उसके बाद में ऐसा ही निकालना है उस चीज़ का। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि रेट उन्होंने गिवन है 20%, 2 साल का CI 880 दे रखा है, ठीक है, प्रिंसिपल याद करना है, जो प्रिंसिपल आ रहा है उसी का यूज़ करते हुए आगे टाइम को कर देना है डबल, मतलब डबल का मतलब टाइम 4 ईयर का निकालना है और रेट करना है हाफ, तो 10% का निकालना है, ठीक है, CI ऐसा ही निकालना है अपन को। अब जैसे ये वाला फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रखता हूँ पी निकालने के लिए, CI कितना है 880, अब R कितना है 20, अब 20 का यहाँ स्क्वायर नहीं करना, 20 दो साल के लिए 20 का कितना होता है, 20 + 20 + 20 × 20 / 100, मतलब 44 × 100 कर दिया, 44 × 2 = 88, 2000, मतलब अपने पास प्रिंसिपल कितना आ गया 2000। अब वो क्या कर रहा है, 2000 प्रिंसिपल पे SI निकालना है, SI निकालने के लिए क्या करते हैं, PRT वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अब क्या है, यहाँ पे देखो डबल हो गया टाइम, तो मैंने 4 से 4 कर दिया, रेट हाफ हो गया 10 हो गया, अब 100 कर दिया, 0 0 कट गया और 800 आंसर आ गया।
यही निकालना था। और ये क्वेश्चन पता है किस में आ रखा है? IBPS PO 2019 में आ रखा है ये क्वेश्चन। इस फॉर्मूले का यूज़ अब आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो आप भी नेक्स्ट बता रहा हूँ, IBPS क्लर्क मेंस 2019 के मेंस में आ रखा है ये, IBPS क्लर्क के। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, एक लड़का है, मतलब कोई नाम ले लो, गोपाल ले लिया, ठीक है, उसके पास 6000 रुपये हैं, ठीक है, ए और बी में, एक में तो करता है SI में करता है इन्वेस्ट, एक बार CI में करता है, ठीक है। देन क्या होता है, उन दोनों की इन्वेस्टमेंट की टाइम जो दे रखा है वो 2 ईयर्स का ही है। अब दोनों स्कीमों से उसको कल टोटल जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो मिलता है 5040 रुपये, ठीक है। और अब अपन से रेट पूछ रहे हैं, रेट बताना है, ठीक है। अब देखो, रेट निकालने के लिए सबसे इजी तरीका बता देता हूँ, प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है, और अपने पास में टोटल इंटरेस्ट दे रखा है। अब अपन को क्या यूज़ करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, वही वाला P=CI/R, ठीक है। इसको यूज़ करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, अब अपन को रेट निकालना है, तो रेट के साथ ऐसे करेंगे तो फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, हो गया। CI कितना दे रखा है, मतलब कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है 5040, प्रिंसिपल कितना है 6000, तो 100/0/0 48 24 84, देखो आर आया अब 84%। अब 84% का तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आर रियल में 84% नहीं है, आर आएगा 20%। कैसे आएगा, क्योंकि 2 साल का है, ठीक है, 2 साल का है, तो 2 साल में क्या होता है, 20+20+20×20/100, ऐसे करके निकालते हैं ना। तब देखो इससे कितना आया अपने पास, 20 × 40 = 2, 40 × 4 = 44 आ गया, ठीक है। अब जो 20% रेट आया है, ठीक है, 2 साल के लिए SI में कितना होता है 40, 40 × 44 कितना होता है 84 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका आंसर आएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ेगा। एक बार फिर से करना, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बता देना, मैं वापस से ऐसा कोई क्वेश्चन करवा दूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेंस लेवल का था, तो ऐसे ही लग रहा होगा आपको थोड़ा कि यार है क्या, बट एक बार अच्छे से करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर SI और CI का दोनों का मिला के ही तो दे रखा है ना इंटरेस्ट, और रेट भी सेम है, दोनों का रेट सेम है, तो रेट सेम होने पर कैसे आएगा, देखो 20×2 इसका, और इसका 2 साल का कितना होता है 20% के हिसाब से 44 होता है, और इसका कितना हो गया 40+44 = 84 आया ना, ये ऐसे होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, और ये क्वेश्चन आया किस में हुआ है, SBI PO प्री में आ रखा है, ठीक है, और आया कब है, 30/4/2017 को आया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कोई ये है, उसने 4200 रुपये की मतलब कि इन्वेस्टमेंट है जो, वो 12% रेट पे, ठीक है, और SI पे की है, ठीक है, और टाइम दे रखा होगा इसने 2 साल, 2 ईयर्स। सेम इसने बी में क्या किया है, बी के अंदर इन्होंने 4200 - P की इन्वेस्टमेंट 10% रेट पे, ठीक है, 2 साल का CI निकालना है, ठीक है, 2 साल का, 2 ईयर्स लिख देता हूँ, 2 ईयर्स के CI पे निकालना है। अब इन दोनों का जो इंटरेस्ट आएगा ना, उसका जो डिफरेंस दे रखा है वह 294 रुपीज़, तो अपन से P पूछे। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, कुछ नहीं है इसके अंदर, A-B 294 है,